गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और हेल्दी मेथी के परांठे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मेथी के परांठे। मेथी के हेल्दी और टेस्टी पराठे बनाने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए हैं। हम घर पे ही रखे सामान से हेल्दी और टेस्टी पराठे बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, ये है गेहूं का आटा, जरूरत के हिसाब से लीजिएगा। ये 350 ग्राम तक मेथी है, बारीक चॉप करके 3 से 4 बार अच्छे से वॉश की है। 1 बड़ा चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जो मैंने रफली चॉप किया है, 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये कुछ देसी घी है। आप देसी घी की जगह कोई तेल या फिर बटर भी यूज कर सकते हो। और पानी हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने एक कुंडी ली है, कुंडी सोटा, और आप इसे खलन भी बोल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप सिलवट्टा भी यूज कर सकते हो। मैंने कुंडी के अंदर हरी मिर्च डाल दी है, अदरक डाल दी है और लहसुन की कलियां भी इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास सिलवट्टा या फिर कुंडी सोटा नहीं है तो आप मिक्सी जार के अंदर इन्हें दरदरा पीस लीजिएगा। अब हम इसके अंदर हरा धनिया पाउडर डाल रहे हैं और साथ ही साथ नमक भी डाल रहे हैं। नमक और हरा धनिया पाउडर इसके अंदर डालने से हरी मिर्च अच्छे से पीस जाती है और उसके दाने इधर उधर नहीं उछलते हैं। तो देखिए, कुंडी सोटे में हम अच्छे से इन सभी चीजों को बारीक कर लेंगे। बिल्कुल दरदरा हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। आप देख सकते हो कि कितनी ही जल्दी ये सारा ही पेस्ट बनकर के तैयार हो गया है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल दरदरा पीस चुका है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करते हुए मेथी डाल रहे हैं और मेथी को भी हम इसी तरह से सोटे से कूटते हुए थोड़ा दरदरा कर लेंगे। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप लहसुन को छोड़ दीजिएगा और आप सिर्फ हरी मिर्च और अदरक डाल लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी मेथी भी बारीक हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है। मैं आपको एक चम्मच में भी लेकर के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर हम इसे मिक्सी में पीसते हैं तो ये बिल्कुल पतला पेस्ट बनकर के तैयार हो जाता है, चटनी टाइप का, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब हम आटे के अंदर थोड़ा सा होल करते हुए ये मेथी का सारा ही पेस्ट इसके अंदर डाल लेंगे। अब हम कुंडी के अंदर थोड़ा पानी और डालेंगे जिससे कि जो कुंडी के अंदर मेथी और मेथी का रस बचा है वो भी हम पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप मिक्सी जार के अंदर इस पेस्ट को तैयार कर रहे हो तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बारीक आप इस पेस्ट को मत बनाइएगा, बिल्कुल दरदरा आप इसे रखिएगा। और अगर आप इसे बारीक चॉप करके डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, हींग डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और साथ ही साथ गरम मसाला भी डाल रहे हैं। ये गरम मसाला बिल्कुल होममेड है और इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सभी चीज़ों को हाथ से मसलते हुए आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेथी भी पानी छोड़ती है तो इसलिए हम पहले सारे ही पेस्ट को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे पेस्ट को हमने आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और आटे को अच्छे से गूंथेंगे। अगर हमें पानी कम लगता है तो हम थोड़ी देर में और डालेंगे और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको परांठे के अंदर प्याज पसंद है तो आप इसके अंदर एक बड़ी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दीजिएगा और सभी चीजों के साथ इसी तरह से आटे के साथ गूंथ लीजिएगा। और अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज को छोड़ दीजिएगा और इसी तरह से आप आटे को गूंथ लीजिएगा।
एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको आटे को अच्छे से लोच लगानी है, जिससे कि आपके परांठे या फिर रोटी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो उसके। अगर हमारा आटा अच्छे से नहीं गुथा होगा तो हमारे परांठे या फिर रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से आप आटे को गूंथने के बाद इससे रोटी या फिर परांठा कोई भी चीज़ बना सकते हो और दोनों ही चीज़ें काफ़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से इसके अंदर लोच लगानी है और आटे को थोड़ा टाइट ही रखना है। और आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि जब हमने कुंडी के अंदर मेथी को कूटा है तो मेथी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और आटे के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो रही है। इस तरह से मेथी को कूटने के बाद आपके परांठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और काफ़ी अच्छे से तैयार होंगे। तो अब हम मिलेंगे आटे को गूंदने के बाद। यहाँ पर हमारा आटा गूंथ करके तैयार है और आप देख सकते हो कि आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंथ करके तैयार हो चुका है। मेथी के परांठों के लिए हमने आटा अच्छे से लगा लिया है और ये है देसी घी। आप देसी घी की जगह बटर या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहो। और थोड़ा हमने सूखा आटा लिया है। आप देख सकते हो कि हमने थोड़ा आटा हाथ में ले लिया है और इसकी गोल लोई बनाते हुए हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और रोटी के टाइप से ही अच्छे से गोल आकार में बेल लेंगे। अगर आप रोटी बनाना चाहते हो तो आप इस आटे की रोटी भी बना सकते हो, और अगर आप परांठा बना रहे हो तो परांठा भी आप इसका बना करके तैयार कर सकते हो। मैं इसे गोल आकार में बना करके तैयार कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप में परांठे बना करके तैयार कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने गोल आकार में परांठे को बेल लिया है और आप साथ साथ देख सकते हो कि हमारे आटे के अंदर मेथी कितने अच्छे से मिक्स हुई है। पूरे परांठे के अंदर आपको मेथी अच्छे से दिख रही होगी। और साथ ही साथ मैंने इसे गरम तवे के ऊपर डाल दिया है। जब मेथी का पराठा एक तरफ से सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हो कि एक साइड से पराठा अच्छे से पकने लगा है। अब हम इस स्टेज पे परांठे को पलट देंगे, ऊपर से थोड़ा देसी घी लगाएंगे। आप घी या तेल जो भी लगा रहे हो अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। आप परांठे को दोबारा से पलट देंगे और परांठों को आप मोटा या पतला अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हो। दूसरी साइड भी हम इसके ऊपर देसी घी लगा रहे हैं। अब हम परांठे को पलटे से पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे। दोनों साइड से इसी तरह से पलटे से पलटते हुए परांठे को हम अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा परांठा कितने अच्छे से पक रहा है। आप देख सकते हो कि मैं पलटे से अच्छे से प्रेस करते हुए और परांठे को बार बार पलटते हुए कितने अच्छे से पका रही हूँ। और इस पे छोटी छोटी लाल लाल बिंदिया आ गई है, जिससे कि परांठा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा परांठा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कि हमारा परांठा कितने अच्छे से पका है। अब इसी तरह से मैं दूसरा परांठा भी बना करके तैयार कर रही हूँ। परांठा एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर थोड़ा देसी घी लगा देंगे। आप इन परांठों को अचार, चटनी या फिर किसी भी तरह की सब्जी, किसी भी रायते या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हो और ये सभी चीज़ों के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है। तो देखिए, इसी तरह से हमने इसे दोबारा से पलट दिया है और इसके ऊपर थोड़ा देसी घी लगा देंगे। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और झटपट ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। अब हम इसे दोबारा से पलट देंगे और इसी तरह से पलटे से थोड़ा सा दबाते हुए बार बार पलटते हुए अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी के सभी पराठों को भी इसी तरह से पका करके तैयार करेंगे।
यहाँ पर हमने गर्मा गर्म मेथी के पराठों को सर्व कर दिया है और मैंने इसे हरी चटनी, प्याज का सैलेड और दही के साथ सर्व किया है। साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर थोड़ा मक्खन रखा है। मक्खन से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पराठे कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। आप मेथी के पराठों को किसी भी शेप में बना सकते हो। मेथी के पराठे काफ़ी आजमेदार होते हैं और आप देख सकते हो कि हमारे पराठे कितने यम्मी दिख रहे हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं आपको एक टुकड़ा तोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारा पराठा कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे मेथी के पराठे बनकर के तैयार हैं और देखने में जितने लाजवाब है खाने में उतने ही टेस्टी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके मेथी के पराठे कैसे बने और घर परिवार में सभी को कैसे लगे। आप मेथी के पराठों को दही, चटनी, रायता या फिर किसी भी सब्जी के साथ या फिर चाय, सॉस, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो और ये सभी चीजों के साथ काफी टेस्टी लगते हैं। मैंने इसे हरी चटनी और दही के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन्हें किस चीज के साथ सर्व किया और आपको ये कैसे लगे। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना है और कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।